बिल्कुल बिल्कुल राधा, मेरे पेरेंट्स आप पहाड़ी, हर पहाड़ी पेरेंट्स आर लाइक दिस। जब महिलाओं को पहले पढ़ने नहीं दिया जाता था, अब जब बेटियों को पढ़ने दिया जाता है, आप रिकॉर्ड निकाल के देखो, सबसे ज्यादा जो टॉपर्स होंगे दे आर गर्ल्स। द फैक्ट दैट आई ऑलवेज बिलीव इन पॉजिटिविटी, आई फील आप जो अट्रैक्ट करते हो, जो आप चाहते हो आपको जिंदगी में जरूर मिलता है इफ यू वर्क फॉर इट। पहाड़ में जो गैप्स है, जो कमियां है, वहां हमें वो स्किल के माध्यम से उन्हें पूरा करना है। हाय, दिस इज अनुकृति एंड यू आर वॉचिंग मी इन 93.5 रेड एफएम विद दून की देवांगना। एब्सोल्युटली। तो आज की स्टूडियो में जो ये लाउडनेस है, ये हम लोग बात कर रहे हैं हमारे उत्तराखंड की 9 डिवास के बारे में। सबसे पहले तो वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और नवरात्रि की जब जब बात आती है तब हमें देवी माँ की याद आती है, और साक्षात जो फीमेल्स है ना, एक देवी माँ का रूप बन के सबके सामने आ जाती है। सो वन ऑफ अ वेरी ब्यूटिफुल पर्सनैलिटी इज हियर ऑफ उत्तराखंड, अनुकृति गोसाई। Thank you so much. Okay, we are really honored to have you firstly in the studio. पहली बार Red FM studio में आकर आपको कैसी वाली feeling है? Tell me about it. बहुत अच्छी फीलिंग है, बिकॉज आई थिंक रेड एफएम आज पूरे उत्तराखंड में यू नो सुपर हिट रेडियो स्टेशन है, और सभी लोग सुनते हैं। मैं तो मतलब स्पेसिफिकली इसलिए सुनती हूँ कि जब भी मैं कहीं ट्रैवल करती हूँ तो रेड एफएम के गाने और देवांगना का शो बढ़िया वॉच करती हूँ, मतलब बढ़िया लिसन करती हूँ। सो आई एम अ फैन ऑफ रेड एफएम। दैट इज सो ऑसम एंड वी ऑल आर योर फैंस आउट देयर। सो अनुकृति, सबसे पहले विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि। सो आपकी नवरात्रि किस तरीके से जाती है, आप कैसे सेलिब्रेट करती हैं बीइंग इन उत्तराखंड? आप सभी को भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नवरात्रि क्योंकि माँ दुर्गा का त्योहार है, और ऑफ कोर्स बिकॉज हम लोग देवभूमि में हैं, और मैं तो खैर मतलब पर्सनली बहुत ज्यादा फील करती हूँ कि नवरात्रि से अटैचमेंट भी है मुझे, और साल के इस पूरे 9 दिनों के लिए मैं बहुत वेट करती हूँ। एंड आई थिंक बहुत मतलब स्पिरिचुअली भी कही इस चीज को, और मुझे लगता है कि पूरे जो 9 दिन रहते हैं दे आर ऑलवेज यू नो फुल ऑफ एनर्जी, और एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन हमेशा बनी रहती है घर में आप पूजा से शुरू करती हूँ। सो या आई एम अ फैन ऑफ ऑल दीज 9 डेज, एंड स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ इट्स अ डेज ऑफ यू नो फॉर वुमेन स्पेसिफिकली, तो बहुत महत्वपूर्ण भी है और बहुत स्पेशल भी है। ग्रेट। सो आपके घर में कोई डिफरेंट तरीके की पूजा या ऐसा कुछ होता है नवरात्रि में, समथिंग हैपेंस? नवरात्रि में क्योंकि 9 दिन हम लोग कोशिश करते हैं कि व्रत अगर कोई कर पाए, बिकॉज आजकल काफी लोग वर्किंग है तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि 9 के 9 दिन आप व्रत करो। सो वी ट्राई कि पहले नवरात्रि और आखिरी नवरात्रि में व्रत करते हैं, और उसके साथ जो लास्ट आपका अष्टमी होती है या नवमी जिस हिसाब से वो आपके बैठती है, तो अष्टमी नवमी में भी ट्राई कि 9 कन्याओं को बुला के उनका भोजन होता है। एंड आई थिंक हम लोग रिलेट कर पाएंगे जो बहुत छोटे छोटे थे, चना और हलवा। हम लोग जब बचपन में जाया करते थे अपने पड़ोसियों के घर में, सो इट वॉज लाइक सच अ ग्रेट फीलिंग, एंड देन हम लोग को गिफ्ट्स भी मिलते थे, पैसे भी मिलते थे, पॉकेट मनी बनती थी। बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट इज अ रिचुअल वो हम फॉलो करते हैं। ग्रेट। सुपर। अनुकृति मुझे ये बताओ कि देहरादून, यू बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन देहरादून? नहीं, नॉट इन देहरादून, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लैंसडाउन। ओके। लैंसडाउन बहुत ब्यूटीफुल एक हिल स्टेशन है उत्तराखंड का, तो वहां मैं पैदा हुई, वहीं बड़ी हुई, और अपनी 12th तक की जो स्टडीज है वो मैंने लैंसडाउन से की। आफ्टर 12th आई डिड माई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम देहरादून। ग्रेट यार। सो देहरादून से इंटरनेशनल तक का सफर अगर बात करें हम लोग मिस इंडिया पैजेंट के बारे में, सो टेल मी समथिंग अबाउट दिस, ये ब्यूटीफुल जो जर्नी रही आपकी। वेल यस, आई थिंक बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल रही है, बहुत ज्यादा थ्रिलिंग भी रही है मैं कहूंगी, बिकॉज सोचिए जब मैं मिस इंडिया की बात कर रही हूँ, एंड आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट फेमिना मिस इंडिया विच इज वन ऑफ द यू नो मोस्ट प्रेस्टीजियस पैजेंट्स इन इंडिया। आई फील एक जब हम छोटे से शहर से निकलते हैं, यू नो देहरादून की जब मैं बात करूं, तो बहुत लोगों ने हमेशा मुझे पूछते हैं कि आपका ड्रीम था, इज इट समथिंग दैट अ ड्रीम कम ट्रू हैपन टू यू? तो मुझे लगता है कि ये मेरा सपना तो नहीं कह सकते, बिकॉज ऐसे सपने हम लोग देख ही नहीं पाते आइडियली, मतलब टू बी वेरी जेन्युइनली ट्रू। बट मुझे याद है जब 2013 में पहली बार मैं DIT में पढ़ती थी, और मेरा सेकेंड ईयर था शायद या फर्स्ट ईयर का मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, तो उस समय मुझे एक ईमेल आया फेमिना मिस इंडिया से। मैंने अप्लाई किया था, और वो भी अप्लाई भी मतलब बिल्कुल रफ टाइम, मेरी जो फ्रेंड्स थी वो बड़ी एक्साइटेड थी इस चीज को लेके कि अरे यार प्लीज लेट्स पुट दीज फोटोज, और फोटोज भी उस समय बिल्कुल बेसिक फोन से होती थी, सो दे वर नॉट हाई रेजोल्यूशन फोटोज यू नो। तो वो हमने अपलोड की, एंड देन आई थिंक इन डिसम्बर आई गॉट एन ईमेल फ्रॉम टाइम्स ग्रुप फेमिना मिस इंडिया से, मुझे ईमेल आया दैट हाय अनुकृति यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर देहरादून ऑडिशन, और आपको आना है। एंड आई वॉज
आई डोंट नो, आई मीन आई थॉट कि ये कोई प्रैंक ईमेल है. सो माय फर्स्ट रिएक्शन टू ऑल माय फ्रेंड्स, आई टोल्ड देम, आई वाज लाइक यार ऐसा ऐसा ईमेल है, बट मुझे लग रहा है ऐसी शायद कोई फिरकी ले रहा है. नो नहीं नहीं नॉट ट्रू. देन आई गॉट इन कॉल, बट देन आई गॉट अ कॉल. तो उस कॉल पे देयर वाज अ girl, I still remember, Rochelle. Okay. So she just called me up and she's like, hey Anukriti, so we are coming to Dehradun and you will have to audition for, you're shortlisted for Dehradun audition. And this is the place and you know, the time you have to come. So, alright. Then I thought, this is something, you know, serious has happened. And I went for the audition. But mujhe tabhi bhi yaad hai, 19th of December ko mera audition tha. 20th se humare semester exams hone the. So, although my parents were also not very, very sure about ki acha missing ya. Pehle to unhe malum hi nahi hoga ki, you know, missing gaya and everything. You know, how all of these international pageants go ahead. So, my mom, I called my mom and I told her ki, mom, you know, mujhe aise selection ke liye aaya and I have to go and audition. So, her first reaction was, she's like, लेकिन 20th तो एग्जाम है, तैयारी कैसे करोगी, पढ़ाई कैसे करोगी, 19th तो मुश्किल हो जाएगा. I was like, नहीं, लेकिन मैं जाऊंगी, because I just want to give it a try, and you know, when it is a wonderful national opportunity, then why not? So I went on 19th, and it really went well from Dehradun to Delhi. Then I went to Delhi, and I became Miss India Delhi in 2013. Then after that, the journey, I never looked back. So then we went to the national pageant, and in 2014, an international pageant happened to me. That's called Miss Asia Pacific. And after Asia Pacific, I think there was a time from 14, 15 and 16. No, actually 15, 16. So 2 years, I was lucky enough to be a part of, as I was telling you, Zoom TV as a Zoom anchor. So I worked in the very famous show called Planet Bollywood News. Yes, yes. And that was a wonderful experience again. So in 2017, then I thought that, because when I participated, I was just 18 years old. So just completed 18. Then again, I participated back in 2017. And of course, lucky enough to represent my country in Miss Grand International, which is again one of the, you know, biggest pageants in the world today. And uske baad jab main wapas 2018 mein aayi, jab main wapas 2017 ka maine pageant kiya, so that was a wonderful moment when, you know, there was a lot of recognition and a lot of love from the state I got. इसके लिए मैं हमेशा उत्तराखंड के लोगों का, हमेशा मतलब मुझे लगता नहीं है कि मैं कभी उनका इतना धन्यवाद कर पाऊंगी जितना प्यार, जितना स्नेह मुझे यहाँ से मिला. आई एम रियली रियली थैंकफुल. दैट इज ऑसम. सो अनिता, आई रियली वांट टू नो दैट फीलिंग, यू नो, कभी भी हमारी लाइफ में कुछ ऐसा बहुत अच्छा सा हो जाता है तो हमारे दिल में एक फीलिंग होती है, जब एक क्राउन आपके सर पे था तो उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि ओ माई गॉड, इज दिस एक्चुअली हैपनिंग? हाँ, एब्सोल्युटली. मैं बहुत बार ये स्टोरी कहती हूँ कि मुझे, मतलब मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था, टू बी वेरी ट्रू. आप सोचो, मतलब आई यूज टू बी अ बास्केटबॉल प्लेयर, देन आई वॉज एन इंजीनियर, आई वॉज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट दैट टाइम. देन इमेजिन ऑल ऑफ अ सडन, यू नो, यू हैव टू वॉक इन 6 inches की हील्स में आपको चलना होता है. इट्स अ टफ ट्रेनिंग, मतलब it is really really tough, because there comes your experts, अलग अलग इंडस्ट्री से आपके एक्सपर्ट्स होते हैं. तो वो मोमेंट मुझे नहीं लगा था कि आई एम गोइंग टू विन इट. बट मुझे लगता है एक ही चीज जो मेरे अंदर थी, या मुझे सबसे बढ़िया आती है, या आपका एक गॉड गिफ्ट है, व्हाटएवर. सो आई थिंक आई वाज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट. तो मैंने बस मन बनाया था, आज भी मुझे याद है, मैं कहा कोई बात नहीं, व्हाटएवर विल हैपन, बट मेरा काम है टू गिव 100%. और वही चीज मैं आज भी करती हूँ. मुझे नहीं पता कि रिजल्ट्स क्या होंगे, उसके लिए मैं अपना बहुत एनर्जी नहीं वेस्ट करना चाहती. व्हाट आई बिलीव इन इज कि करंट में आप कितना स्पेंड कर रहे हो अपनी एनर्जी को, करंट आप अपना कितना 100% एफर्ट्स दे रहे हो. सो एफर्ट्स आर इम्पोर्टेंट, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा. एंड विद गॉड्स ग्रेस अच्छा ही हुआ है. Exactly. So, yeah. तो नहीं, दैट इज अ थिंग ना, किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है. द कंप्लीट बॉलीवुड ड्रामा दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. आई बिलीव दिस वाज अ कंप्लीट नॉन एक्सपेक्टेड थिंग हैज हैपेंड इन माय लाइफ. But whatever has happened is beautiful, और मैं बहुत gracefully मैंने उसे accept किया है. And I think things have happened nicely in my life because of the fact that I always believe in positivity. I feel आप जो attract करते हो, जो आप चाहते हो, आपको जिंदगी में जरूर मिलता है if you work for it. Exactly. So अच्छा, you know what, ये तो सारी चीजें हम लोग को बहुत happy नजर आ रही है, बहुत एकदम से. जब आप देखते हो कि life में कोई successful हो जाता है, everybody keeps on talking about the success, but no one actually feels the pain जो उसके पीछे वहां तक पहुंचने में रहा है. So what were your actual struggles if I talk about it?
Well, Devangna, you know, you'll understand ki when I'm talking about a career in modeling and let's say in fashion industry and international beauty pageants, उत्तराखंड अब शायद मतलब अब मैं देखती हूँ, मैं आज से 6-7 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो उस समय मुझे नहीं लगता था कि इतना ज्यादा ओपन उस चीज को लेकर है या इतने विलिंग है कि पेरेंट्स अपने बच्चों का करियर उस स्पेसिफिक यू नो डोमेन में चाहते हैं या देखते हैं. बिकॉज अगर मैं कंट्रीज, इफ आई टॉक अबाउट कंट्रीज लाइक फिलीपींस एंड लेट्स से वेनेजुएला एंड लेट्स से यू नो ऑल Latin American countries, वहाँ पे ये particular career होता है. People actually follow this. In Philippines, you know, the queen. Exactly, the beautiful. In fact, we have seen a lot of beauty pageants में जो international beauty pageants होती हैं. Every year, some or the other will win the crown. For sure, absolutely. So वो लोग उसको you know they take it as a career. But you know, a girl coming from Uttarakhand and from Dehradun, there were difficulties. वो शायद हर किसी के लिए अलग-अलग चुनौतियाँ रहती हैं. तो मुझे जो अपनी पर्सनल लगती है, देवर एक्चुअली द लैक ऑफ प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज हमारे पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि हम अपने ग्रूमिंग सेशंस के लिए कहीं अप्रोच कर पाए. देवर नो प्लेटफॉर्म एज सच वेयर यू नो पीपल कैन टीच यू रैंप वॉक और लेट्स से इवन कम्युनिकेशन दैट वे, वो भी बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं होता कि आप अपने डिक्शन को करेक्ट कर पाए, आप अपने कम्युनिकेशन को ठीक कर पाए. Then there are always question answer rounds. तो उसके लिए पूरा pageant की it's a complete process. आपको मतलब पूरी तैयारी करनी होती है, वो पूरा आपके लिए एक exam है. So I think वो एक मुझे कमी हमेशा लगी. अनुभवी थिंग यू नो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को ना पढ़ाई पे ही जोर डालते हैं. दे लाइक यू शुड बी कंप्लीटिंग पर्टिकुलर स्टडीज या जो भी सारी चीजें हैं. सो आपके ऊपर कभी वो उस तरीके का प्रेशर रहा था फैमिली के बिहाफ पे? बिल्कुल बिल्कुल रहा था. मेरे पेरेंट्स अब पहाड़ी, हर पहाड़ी पेरेंट्स पेरेंट्स सुन रहे हो तो दिल भी लाइक या बट ऑफकोर्स था, क्योंकि हमारे घर में हर कोई चाहता है कि बच्चा पहले इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, टीचर बने, ये बेसिक चीजें हैं और पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे वो ही बने. मैं आप कभी भी मुझे जब यंगस्टर्स मिलते हैं और कहते हैं कि नहीं हम ब्यूटी पैजेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, मिस इंडिया के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं भी उनसे ये बात जरूर कहती हूँ दैट यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन प्लान ए बट शुड बी रेडी विद प्लान बी. जब मैं इंजीनियरिंग करी थी तो मैंने इंजीनियरिंग ब्रेक नहीं करी, क्योंकि मुझे हमेशा मालूम था कि स्टडीज, पढ़ाई, एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. क्योंकि अब जब मैं अपने इंजीनियर बनने के बाद जब मैंने पार्टिसिपेट किया, उसका एक अलग एज होता है. क्योंकि जब आपके हाथ में एक डिग्री होती है, आप एक इंजीनियर हो, आपको मालूम है कि अगर ये नहीं मिला तो आप इसमें भी बहुत अच्छा कर सकते हैं. तो आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज जिंदगी में नहीं करने पड़ते. आपको लगता है कि ठीक है, ये अच्छा हुआ, मैं अपनी डिग्निटी के साथ अच्छा करूंगी, अच्छा करूंगा. एंड देन यू कैन यू नो ऑलवेज वर्क अकॉर्डिंग टू योर विल, अकॉर्डिंग टू योर वैल्यूज इन लाइफ. That's great. Yeah. So that is a really nice set of motivation coming all the way. But tell me something, you know, जब आप एक modeling में as a career आपने जब लिया था, so there might be lot of time जब आपने सोचा होगा कि यार she's my competition या oh god she's there. कहीं ना कहीं competitive वाली feeling या maybe some sort of complex feeling कभी आपके अंदर आई थी? Well, सच में कहूँ तो ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स फीलिंग मेरे अंदर खैर कभी भी नहीं आती. मतलब वो मुझे, मैंने आपसे कहा ना, देयर इज ओनली वन थिंग, आई वाज ऑलवेज कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ. अब मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि ये समझना बहुत जरूरी है कि खुद को आप केपेबल बनाइए, रादर देन लुकिंग एट समबडी एल्स कि अरे इसने ये किया है, ये ऐसी दिखती है, ये ऐसा ऐसा बोलती है, व्हाटएवर. बट आई थिंक व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि आपने अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट्स लाए हैं, विच इज इम्पोर्टेंट. व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट इनफ दैट यस, whenever I used to walk the ramp, I used to feel this that oh yes, I'm the most beautiful girl on the ramp today, and let's say in the audience today. So there's an automatic confidence which you feel. अगर आप ये देखने में लगेंगे कि उसने क्या पहना है, वो कैसे दिख रही है, वो कैसे चल रही है, will definitely lower your confidence. Believe in yourself. And I've always believed in myself, and this is something which I want to tell to all the youngsters who really want to pursue this career. सिंपल मंत्रा इज टू बिलीव इन योर सेल्फ. हो सकता है आपकी हाइट कुछ हो, आपका स्किन कलर कुछ हो, आपके अंदर कुछ और टैलेंट हो. हर एक आदमी अलग अलग टैलेंट पे होता है, अलग अलग टैलेंट उसके अंदर होता है. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ओन टैलेंट, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ओन स्टाइल एंड फॉलो इट पैशनेटली. Awesome. तो ये पैशन आपको अपनी लाइफ में श्योरली फॉलो करना है. सो अच्छा मुझे ये बात बताओ कि पैशन की वजह से ही यू आर बैक टू योर ओन रूट्स, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट जब आप एक शोबिज में होते हो एंड यू आर देयर इन मुंबई, वेल सेटल्ड आउट देयर, डूइंग ग्रेट इन सेट ऑफ योर करियर एंड कमिंग बैक टू योर ओन रूट्स, हाउ डिफिकल्ट इट वॉज? इट वॉजंट डिफिकल्ट एट ऑल, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था. क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपने, मैंने आपसे कहा ना, क्योंकि मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं चीजें अपने वैल्यूज और अपने एथिक्स के हिसाब से करूँ. आई एम नॉट सेइंग कि मैं
मैं जो बोल रही हूँ वो 100% करेक्ट होगा, बट जो मैं कह रही हूँ वो मेरे लिए शायद 100% करेक्ट होगा. सो आई ऑलवेज न्यू इट दैट दिस विल वर्क एंड दिस विल नॉट वर्क फॉर मी. मैं ऐसे काम कर पाऊंगी और अपनी शर्तों पे मैंने जिंदगी में काम किया है. आई ऑलवेज वर्कड अकॉर्डिंग टू माई विल. और जब मैंने सोचा कि मैं आप उत्तराखंड वापस जाके अपने स्टेट के लिए कुछ करना चाहती हूँ, देयर वॉज अगेन माई विल एंड आई केम बैक. एंड यू नो व्हाट, जब 2018 में वापस आई तो हाँ एक चीज जरूर थी कि मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, वेयर डू आई स्टार्ट फ्रॉम. और आई थिंक टुडे आई फील बिकॉज ऑफ माई फादर इन लॉ डॉक्टर हरक सिंह रावत, एंड आई थिंक पापा हैज ऑलवेज बीन अ ग्रेट सोर्स ऑफ मोटिवेशन बिहाइंड वट एवर आई एम डूइंग टुडे, बिकॉज ही वॉज वन पर्सन हु टोल्ड मी कि अनुकृति नाउ यू आर बैक फ्रॉम अ फैशन वर्ल्ड, फ्रॉम अ ग्लैमर वर्ल्ड, और अब जब तुम उत्तराखंड आई हो तो मैंने उनसे कहा मैं क्या करूँ. That was my first, because he is being the minister today and exactly. He has seen lot of things उन्होंने जिंदगी में और उत्तराखंड के अंदर बहुत सी सारी चीजें अपने एक्सपीरियंस के साथ देखी है. जो मैंने उनसे कहा कि मैं क्या करूँ पापा, लाइक हाउ कैन आई स्टार्ट, आई वॉन्ट टू डू इट बट आई डोंट नो फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट फ्रॉम. सो ही गाइडेड मी थ्रू द होल प्रोसेस. ही इज लाइक, जब तुम आई हो मुझे लगता है कि तुम उत्तराखंड की महिलाओं के लिए कुछ करना शुरू करो, स्टार्ट वर्किंग फॉर द यंगस्टर्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के लिए यूथ के लिए कुछ करो. एंड आई एम वेरी श्योर अनुकृति इफ यू डू, वो हमेशा मुझसे कहते हैं एक बात, दिस इज समथिंग विच आई वॉन्ट टू मैंशन, ही इज टू से हो सकता है बहुत सारे काम जो तुम करोगी उससे तुम्हें अखबारों में छपने का नहीं मौका मिले, तुम्हारी पिक्चर्स बड़ी बड़ी मैगजीन्स में नहीं आए, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमेशा आपको अखबारों में छपने के लिए नहीं करने चाहिए. ही स्टिल सेज टू मी दैट कुछ काम ऐसे करो जो लोगों के दिलों में छपने के लिए करो. वाओ. एंड ही सेज कि उसका जो सेटिस्फेक्शन होगा वो बहुत अमेजिंग होता है. एंड टुडे यू नो आफ्टर वर्किंग फॉर 3 years आई फील लिटरली, मतलब सच में उस काम को करने का जो सेटिस्फेक्शन आज मुझे मिलता है, आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज माय बिगेस्ट अचीवमेंट्स इन लाइफ. ग्रेट. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस वर्क जिसने सबके दिलों पे छाप छोड़ दी है. सो व्हाट एग्जैक्टली दिस वर्क इज ऑल अबाउट. So, when in 2018, we actually rejuvenated an NGO called Mahila Uthan Bal Kalyan Samsthan, through which we started training women, especially in hills. हमने कोशिश करी कि हम पहाड़ों पे पहले काम करें, क्योंकि मैं खुद पहाड़ से आती हूँ, पहाड़ की बेटी हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ. तो उस चीज का मुझे एहसास है कि पहाड़ में जो गैप्स है, जो कमियां है, वहां हमें वो स्किल के माध्यम से उन्हें पूरा करना है. सो वी ट्राइड फ्रॉम कोटवार, लैंसडाउन, देन वी मूव टू पौड़ी, एंड देन वी यू नो इवन वी डिड इट सम ऑफ द यू नो सम पोर्शन ऑफ दैट वर्क इन सहसपुर. फिर हमने कुछ हरिद्वार में किया, हल्द्वानी में किया. सो वी हैव ट्राइड कि महिलाओं को, स्पेशली वुमेन, वी वॉन्ट देम टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. बिकॉज जब मैं यू नो जब मैं पूरा ये समझ रही थी कि मुझे किस तरीके से इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, सो द आइडिया वॉज फॉर वुमेन. पीपल यूज टू से कि आप महिला सशक्तिकरण के लिए काम करें, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करें, पर मुझे लगता था कि वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ बोलने से या पढ़ाने से या सिर्फ कुछ टाइम की ट्रेनिंग कराने से नहीं सॉल्व होगा. वुमेन एम्पावरमेंट तभी हो सकता है जब वो महिलाएं खुद को आर्थिक रूप से मजबूत फील करें, वेन दे फील कि वो अब अपने डिसीजंस अपनी लाइफ में खुद ले पाए. सो उसी एस्पेक्ट को, उसी आइडिया को लेके वी स्टार्टेड इन 2018. हमने अप्रोक्सीमेटली 10,000 वुमेन को अक्रॉस उत्तराखंड के अंदर ट्रेनिंग करी. ट्रेनिंग के दौरान मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी हमारी जिनके अंदर एक्सेप्शनल टैलेंट है. मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते, मुझे खुद बिलीव नहीं हुआ कि जो सामान वो सेंटर में बना रही थी, आई थॉट वाओ, दिस इज समथिंग टू बी डिस्प्लेड इन अ फाइव स्टार होटल. सो वो थॉट मुझे, मैं कहती हूँ वो जो क्लिक, वो जो थॉट मुझे तब हुआ, मुझे लगा कि इसको मुझे कहीं और लेके जाना है. ये सिर्फ ट्रेनिंग्स तक, इन सेंटरों तक मैं उनको सीमित नहीं रखना चाहती, क्योंकि ये जो सामान हम उन सेंटर्स में बना रहे हैं, अगर इसको हम कमर्शियली इसका ब्रांडिंग करके, इसका एक इंटरनेशनल ब्रांड बना के अगर उसको अच्छे प्लेटफॉर्म से लॉन्च करेंगे, सो आई थिंक वो आने वाले कुछ सालों में, इन कमिंग ईयर्स, हमारी जो बेसिक उद्देश्य है, जो बेसिक मोटिव है इस ऑर्गेनाइजेशन का कि हम वुमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं, हम युवाओं के लिए रोजगार क्रिएट कर पाएं, आई थॉट इट विल बी अ ग्रेट आइडिया. वी आर वर्किंग इन ऑर्गेनिक सेक्टर. महिलाओं के लिए हमने कोशिश की जो उनका लोकल हैंडक्राफ्ट था, हैंडीक्राफ्ट था, मतलब लोकली वो भीमल की एक रेशा होता है उससे रस्सियां बनाती थी गाय के. अब उस रस्सियों से वो इतनी सुंदर मैट्स बनाती, इतनी सुंदर बास्केट्स बनाती, स्लिपर्स बना रही है, एक्सेप्शनली गुड. मतलब मैं तो आई एम अ फैन ऑफ माई वुमेन, मतलब बहुत अमेजिंग काम कर रही है. सो अनुकृति, ये वुमेन है कहाँ से, मतलब उत्तराखंड के कौन से रीजन से ये सारे काम आपको करने हैं? हम लोग ऐसे कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड के सारे पहाड़ी रीजन को हम कर
कवर करे, चमोली से, पौड़ी से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग स्पेशलिटी अगर आप सोच चुके। जैसे अगर मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, चमोली डिस्ट्रिक्ट में रिंगाल का बहुत काम होता है। रिंगाल से हम लोग अपने हैम्पर्स, बास्केट्स, मल्टीपर्पज बास्केट्स, वो सब चीजें हमारी चमोली में होती है। देन वी कम डाउन टू रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में हमारा जैसे कलेक्शन सेंटर है, जैसे चमोली में भी कुछ जगह पे हमारा राजमा अच्छी होती है, जोशीमठ में राजमा, वी ट्राई टू यू नो ब्रिंग ऑल ऑफ दैट टू रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में भी बहुत सारी चीजें अच्छी होती है, तो वो जो हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो रुद्रप्रयाग, और पौड़ी से स्पेसिफिकली हमारा काम होता है भीमल का, विमल का रेशा। तो अलग अलग जगह, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में हम कैंडल्स का काम करते हैं। सो वी ट्राई कि जो जहाँ की स्पेशलिटी है, लोकल स्पेशलिटी है, वो वही उसी डिस्ट्रिक्ट से हम पिक करें। That is very nice. अच्छा अनुकृति, आप इतना सब कुछ अच्छा काम कर रहे हो, यू आर इन शॉर्ट सेलिब्रेटिंग वुमनहुड, एंड सबको भी वुमनहुड का सेलिब्रेशन का पार्ट आपने बनाया हुआ है। एनी मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव टू ऑल द यू नो वुमन दोज़ हू आर लिसनिंग टू यू एट द मोमेंट, क्योंकि देखो आप एक शोबिज बिजनेस से वापस अपने रूट्स आए एंड यू आर डूइंग समथिंग रियली ग्रेट, सो आई एम श्योर यू आर एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस आउट देयर। सो व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू ऑल द लेडीज आउट देयर? वेल, all the ladies जो मुझे यहाँ से सुन रही हैं, उन सभी के लिए I want to say that you are very 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 special, because we actually have to believe in ourselves, we have to believe कि हम कोई भी चीज, अगर मैं तो जहां भी जाती हूँ मैं वही कहती हूँ इस बात को, कि अगर किसी फीमेल को आपने जो चीज दे दी वो सबसे बेस्ट करेगी और अपना 100% देके करेंगे। इसमें एग्जाम्पल मैं देती हूँ, कई बार जब हम 10-12 रिजल्ट्स की बात करते थे, तो जब महिलाओं को पहले पढ़ने नहीं दिया जाता था, अब जब बेटियों को पढ़ने दिया जाता है, आप रिकॉर्ड निकाल के देखो, सबसे ज्यादा जो टॉपर्स होंगे दे आर गर्ल्स। आप जहाँ मौका दोगे हम वहाँ अच्छा करेंगे। सो आई थिंक दैट वुमेन इज बेसिकली इज अ स्पेशल क्रिएशन ऑफ गॉड, टू स्पेशल, वो सब कुछ कर सकती हैं, वो काम भी कर सकती हैं, घर भी संभाल सकती हैं, बच्चे भी देख सकती हैं, और मैं सोचती हूँ जिंदगी का ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकती। सो फॉर ऑल द लेडीज हु आर लिसनिंग टू मी इन 93.5 रेड एफएम, आई वांट टू से कि आप सभी लोग बहुत स्पेशल हैं। खुद पे भरोसा करिए, अपने सपनों पे भरोसा करिए, और मुझे उम्मीद है कि आप जो भी काम सोचेंगी उस काम को आप अपने 100% देकर बहुत बेहतर करेंगी। Super, yeah, fantastic. It was really nice. You know, आपके बारे में हमेशा मैं इतनी सारी बातें सुनते आई हूँ. Finally, you're sitting right besides me. So it was really a great feeling interacting with you and celebrating womanhood all together out there. How was your feeling being in Red FM Studios and having this womanhood wala interaction? Wonderful, wonderful. I already told कि मेरा मतलब I'm a fan of Red FM. और ऑफ कोर्स अब दिवांगना की तो मतलब मैं क्या दुनिया फैन है, देहरादून फैन है लड़की का। सो इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, आई लव्ड इट, आई लव्ड इंटरेक्टिंग विद यू। आई थिंक मुझे पता ही नहीं चला कि कितनी सारी बातें मैं आपसे करती चली गई। सो इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। ग्रेट यार, सो दिल खोल के सामने रख दिया। फाइनली इट वॉज रियली नाइस। थैंक यू सो मच फॉर बींग पार्ट ऑफ द रेड एफएम स्टूडियो एंड बींग पार्ट ऑफ द 9 डिवास। थैंक यू सो मच। Red FM 93.5.